हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप सबके साथ मेरा ये वाला मेकअप लुक जो है ये शेयर करने वाली हूँ। और ये है मेरा विंटर्स मेकअप लुक जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है और मुझे तो काफ़ी पसंद आया। तो ये जो मेकअप लुक है ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन टाइप के लिए है और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसे कभी भी और कहीं भी ट्राई कर सकते हैं। मतलब कि आप इसे डे टाइम में भी ट्राई कर सकते हैं, नाइट टाइम में भी ट्राई कर सकते हैं। आप इसे किसी शादी में, किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में या फिर किसी इवेंट में भी आप इस मेकअप लुक को ट्राई कर सकते हैं। आप अपने लाइकिंग के अकॉर्डिंग आपका लिप शेड जो है वो चेंज कर सकते हैं। एंड इस मेकअप लुक में मैंने गोल्डन आई शेडोज का यूज़ किया है अपने आईज पर। तो जो गोल्डन आई शेडोज हैं वो किसी भी लिप शेड के साथ बहुत अच्छे जाते हैं और अगर आप किसी भी शादी पार्टी में जाते हैं तो गोल्डन जो आई शेडोज हैं वो बिल्कुल परफेक्टली जाते हैं आपके ड्रेस के साथ भी। तो इस लुक को आप कहीं भी ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल मेकअप लुक है। एंड अगर आप इस लुक को क्रिएट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बट उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले सारे वीडियोज़ जो हैं वो आप देख पाएँ। ओके गाइस, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो मैंने टोनर अप्लाई कर लिया है, अभी मैं लगा रही हूँ एलोवेरा जेल। और मैंने अभी कोई मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ बिकॉज मैं अप्लाई करने वाली हूँ बीबी क्रीम और वो ऑलरेडी क्रीमी टेक्सचर होता है उसका। तो अगर मैं कोई मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी तो वो और ज़्यादा ऑयली हो जाएगा, इसलिए मैं एलोवेरा जेल अभी यूज़ करने वाली हूँ। तो जस्ट ये भी मॉइस्चराइज़र की तरह वर्क करेगा, तो मैं थोड़ा सा जो एलोवेरा जेल है वो अप्लाई कर लेती हूँ। सो इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ निविया का आफ्टर शेव बाम और ये ऑलरेडी हमारे मेकअप को एज इट इज़ रखने में बहुत ही हेल्प करता है और ये एज अ मेकअप प्राइमर बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करता है। सो मैं थोड़ा सा इसे अप्लाई कर रही हूँ बेस के लिए, सॉरी प्राइमर के लिए। सो अब मैं यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स का बीबी क्रीम और इस मेकअप के लिए मैं कोई फाउंडेशन यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि फाउंडेशन आपके मेकअप को केकी बना देगा और विंटर्स में आपकी स्किन को ड्राई भी करेगा। तो मैं फाउंडेशन यूज़ नहीं कर रही हूँ, फाउंडेशन की जगह आप पॉन्ड्स बीबी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। इसका जो टेक्स्चर है वो क्रीमी होता है तो आपको मॉइस्चराइज़र का भी ये काम करता है और एज वेल एज आपको एक अच्छा कवरेज भी देता है। तो मैं इसे अप्लाई कर लूँगी एज अ फाउंडेशन और मैं कंसीलर की जगह भी इसे ही अप्लाई कर रही हूँ। सो अब मैं इसे एक स्पंज की हेल्प से ब्लेंड कर लूंगी और मैंने मॉइस्चराइजर अप्लाई नहीं किया है। तो ऐसा नहीं है कि ऑयली स्किन वालों को मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं होती है, ऑयली स्किन वालों को भी विंटर्स में मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है बिकॉज आपकी स्किन विंटर्स में बहुत ड्राई हो जाती है। तो मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी होता है ऑयली स्किन वालों के लिए भी। बट मैंने पॉन्ड्स बीबी क्रीम यूज़ किया है, उसमें ऑलरेडी उसका टेक्सचर जो है वो क्रीमी होता है सो वो ऑलरेडी मॉइस्चराइज करता है स्किन को। इसलिए मैंने एलोवेरा जेल यूज़ किया है क्योंकि एलोवेरा जेल जो है वो भी आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। सो ऑयली स्किन वालों के लिए और वो लोग एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं अगर वो कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ आप कोई मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको आपकी स्किन ऑयली है तो आप मॉइस्चराइज़र यूज़ ना करें क्योंकि विंटर्स में मॉइस्चराइज़र मस्ट होता है स्किन के लिए। अब मैं एडीएस का फेस पाउडर यूज़ कर रही हूँ अपने जो बीबी क्रीम मैंने अप्लाई किया है उसे सेट करने के लिए। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आप फेस पाउडर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको ठीक नहीं लगता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि इसे आपका मेकअप जो है वो ज़्यादा उसमें ब्रेकआउट्स हो सकते हैं या कुछ, तो आप उसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
मेरा जो स्किन है वो पॉन्ड्स बीबी क्रीम के बाद काफ़ी ज़्यादा ऑयली टाइप मुझे लग रहा है, तो मैं ये वाला स्टेप जो है वो भी कर रही हूँ। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। एंड आपको अपने नेक को नहीं भूलना है, आपको अपने नेक पर भी अप्लाई करना है बीबी क्रीम, सीसी क्रीम या फिर आप कॉम्पैक्ट यूज़ करते हैं तो। मैंने बीबी क्रीम अप्लाई किया हुआ है और मैं अभी कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ, बट मेरे यहाँ का जो लाइट है वो यहाँ पर है, सो आपको उसकी वजह से मेरे नेक पर थोड़ा सा लाइट कम लग रहा होगा या आपको थोड़ा डार्कनेस लग रहा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो लाइट की वजह से थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है। तो मैंने जस्ट अभी जो पाउडर है उससे सेट कर लिया है बीबी क्रीम को। अब मैं अपने इस पैलेट की हेल्प से मेरे आईब्रोज को फिल कर लूंगी और मैं ये वाला कलर यूज कर रही हूँ अपने आईब्रोज को फिल करने के लिए। सो यू कैन सी डिफरेंस, इसलिए आईब्रोज जो हैं वो फिल करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देन मैं आई मेकअप के लिए यूज़ कर रही हूँ मैबेलिन न्यूड पैलेट सी, ये वाला जो शेड है ये, और इसे मैं अपनी पूरी आईलिड पर अप्लाई करूँगी। देन मैं यूज़ कर रही हूँ ये शेड और इससे मैं अपनी क्रीज लाइन को डिफाइन कर लूँगी। अब मैं यूज कर रही हूँ ये कॉपरी शेड और इसे मैं अपने पूरे आईलिड्स पर अप्लाई कर लूंगी। ये शिमरी शेड है तो ये बहुत अच्छा लगेगा आईलिड्स पर। देन मैं इस कलर को अपने लोअर लैश लाइन के पास मर्ज कर लूंगी। और अब मैं ये गोल्डन शेड लेकर अपने आई बॉल्स पर सेट कर लूंगी। जस्ट लाइक दिस। अब मैं ये शिमरी शेड लेकर अपने इनर कॉर्नर्स पर हाईलाइट कर लूंगी। देन मैं यूज कर रही हूँ एलेटिन का आई ड्रामा काजल और इसे मैं जस्ट अपने आईज में अप्लाई कर लूंगी। देन मैं यूज कर रही हूँ एलेटिन का आईलाइनर और इससे मैं आईलाइनर अप्लाई कर लूंगी। अब मैं मेरे आईलैशेस को कर्ल कर लूंगी। अब मैं यूज कर रही हूँ कैमलान का मस्करा और मैं कोई फॉल्स लैशेस अप्लाई नहीं कर रही हूँ, मैं ओनली मस्करा अप्लाई करने वाली हूँ। सो अब मैं अप्लाई कर रही हूँ मिस क्लेयर का ब्लश और मैं ये लाइट पिंक कलर जो है वो अप्लाई करने वाली हूँ, तो उसे जस्ट थोड़ा सा ब्रश पर लेकर। अब मैं मैबेलिन न्यूड पैलेट से ये हाइलाइटर शेड लेकर अपने फेस को हाइलाइट कर लूंगी, तो मैं इसे इस ब्रश से अप्लाई करने वाली हूँ। और मैं ये जो हाइलाइटर शेड है इसे अपने ब्राउ बोन पर भी अप्लाई करूंगी। अब मैं अपने लिप्स पर अप्लाई कर रही हूँ वैसलिन का पेट्रोलियम जेली, क्योंकि लिप्स को भी मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी होता है विंटर्स में। और आप कोई भी लिप बाम भी यूज़ कर सकते हैं जो आपका फेवरेट हो या जो आप अप्लाई करते हो। मैं मोस्टली वैसलिन का पेट्रोलियम जेली या फिर बोरोलिन यूज़ करती हूँ अपने लिप्स पर, तो मैं इसे अप्लाई कर लूँगी।
अब मैं लिपस्टिक अप्लाई करूंगी और मैं यूज़ करी हूँ जस्ट गोल्ड का ये लिपस्टिक और इसका शेड है 20 और ये बहुत ही प्यारा पिंक कलर है। मैं लिप ग्लॉस अप्लाई नहीं करती हूँ क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं ये जो लिपस्टिक है ये यूज़ कर रही हूँ। ये इसका जो टेक्सचर है वो क्रीमी है जो कि आपके लिप्स को ड्राई भी नहीं करता है और लिप्स पर बिल्कुल परफेक्ट लगता है। तो गाइज ये है मेरा फिनिश्ड लुक और ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन टाइप के लिए है और इस मेकअप लुक को आप डे टाइम में और नाइट टाइम में भी ट्राई कर सकते हैं। आप किसी पार्टी में जा रहे हैं तो वहाँ भी आप इस मेकअप लुक को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप किसी शादी में जा रहे हैं या फिर किसी इवेंट में जा रहे हैं तो वहाँ भी इस लुक को अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल और एज वेल एज बहुत ही अच्छा मेकअप लुक है जो कि आप कहीं भी ट्राई कर सकते हैं, डे टाइम और नाइट टाइम दोनों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और मैंने इसमें जैसे कि गोल्डन आई शेडोज का यूज़ किया है तो बहुत ही अच्छा लगेगा वो पार्टीज़ में भी और इवन डे टाइम में भी बहुत अच्छा लगेगा, तो आप इसे कहीं भी ट्राई कर सकते हैं। सो गाइज आई होप कि आप लोगों को ये मेकअप लुक पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। अगर आपको ये मेकअप लुक पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके कोई सजेशन हो या आप किस तरह का मेकअप लुक चाहते हैं तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी उन मेकअप लुक्स को या उन वीडियोज़ को बनाने का, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। एंड आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया लिंक्स पर जो कि आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ओके गाइस सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।